पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सोमवार को कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के कार्यकर्ताओं ने बदायूं में जामा मस्जिद की जगह हिंदू महासभा के मंदिर होने की याचिका को अदालत में स्वीकार किए जाने को अवैधानिक बताते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन अफजल साबरी ने कहा कि बदायूं की जामा मस्जिद देश की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जो 1223 ईस्वी में बनी थी, जिसे गुलाम वंश के शासक शमसुद्दीन अल्तमस ने बनवाया था। मस्जिद में तब से लेकर आज तक रोज पांचों वक्त विधिवत नमाज अदा की जाती है। आज तक कभी भी इसके मस्जिद न होने या इसके किसी मंदिर के स्थान पर बने होने का दावा किसी ने नहीं किया, लेकिन एक साजिश के तहत सांप्रदायिक संगठनों द्वारा इसे मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में अर्जी डाली गई है, जिसे आश्चर्यजनक तरीके से जज ने स्वीकार कर इसकी सुनवाई के लिए भी मुसलमानों से जवाब तलब कर लिया है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन माननीय शाहनवाज आलम साहब के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में ये हमारे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जो बदायूं की जामा मस्जिद को लेकर दिए गए हैं। 1991 में संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया था, जिसमें ये स्पष्ट किया गया था कि 1947 में जो भी धर्मस्थल पूजा स्थल जिस स्थिति में है, उसमें जिस समुदाय के लोग भी पूजा अर्चना करते हैं वो यथा स्थिति रहेंगे, उसके बाद किसी भी उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उसको लेकर हमने ये ज्ञापन दिया है, जबकि वहाँ की जो निचली अदालत हैं उन्होंने एक याचिका स्वीकार की है जो कि कानून के विरुद्ध है। हमने उसके विरुद्ध में ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दिया है।